अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम क्लास फाइव का जनरल साइंस का जोन से पेपर है इसके मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे तीन मॉडल पेपर मैं आपको दिखाऊंगा एनिमल पेपर का ये पार्ट नंबर वन जो है इसका क्वेश्चन नंबर वन छोड़िए नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म के दर्ज जैल में से कौन सा जानदार कत्यादार नहीं है इसका आंसर आएगा डी वाला इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू इसका आंसर आएगा सी वाले इसी तरह बाकी एम सिक्यूल जोन से हैं वो आपके सामने है आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर मेरी वीडियो रीड करने लग गया तो वीडियो डोंट सी है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अब इससे नेक्स्ट आएगा ये सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तक आएंगे इसके एम सिक्यूल पोलिस्टर अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर वन का ए वाला पार्ट है ये और ये है इसका बी वाला पार्ट इनके आंसर डोंट से वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा ये है इसका क्वेश्चन नंबर टू इसके तीन पार्ट हैं इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर थ्री इसके भी तीन पार्ट हैं ये है क्वेश्चन नंबर फोर इसके भी तीन पार्ट हैं और लास्ट में ये है क्वेश्चन नंबर फाइव इसके दो पार्ट हैं अब इनके आंसर इसका जो क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट है इसका आंसर आएगा ये वाला इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी ये क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा ये वाला अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू इसका ए वाला पार्ट और इसके नीचे दिया गया वह है ये इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी इसका बी वाला पार्ट ये क्वेश्चन है इसके नीचे इसका आंसर है अब इससे नेक्स्ट है ये इसका सी वाला पार्ट इसका आंसर भी जोन है वो इसके नीचे दिया गया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी उर्दू मीडियम वालों के लिए भी ये है इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का ए वाला पार्ट और ये दिया गया हुआ है इसका बी वाला पार्ट और ये है इसका सी वाला पार्ट इनके आंसर इसके नीचे ही है अब ये है क्वेश्चन नंबर फोर इसका आंसर ये है क्वेश्चन नंबर फोर का बी वाला पार्ट इसका आंसर ये और ये है इसका सी वाला पार्ट इसके नीचे दिया गया इसका आंसर अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव इसका ये ए वाला पार्ट है इसका आंसर भी इसके नीचे है अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये बी वाला पार्ट इसका आंसर है इसके नीचे और यहाँ पर ये इसका लास्ट वाला क्वेश्चन था इसका आंसर डोंट से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट यह है इसका पार्ट नंबर बी इनके एम आपके सामने है जो फर्स्ट वाला एम है इसका आंसर आएगा ए वाला सेकेंड वाला एम इसका आंसर आएगा सी वाला इस तरह बाकी एम जोन जो से आपके सामने है यह है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जो सा सब्जेक्टिव पार्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर वन है इसके तीन पार्ट हैं अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू इसके भी तीन पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री इसके भी दो पार्ट हैं सॉरी तीन पार्ट ही हैं अब आगे है क्वेश्चन नंबर फोर इसके तीन पार्ट है और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर फाइव इसके दो पार्ट हैं अब इनके आंसर डोंट से वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्वेश्चन नंबर वन इसका ए वाला पार्ट और इसके नीचे दिया गया हुआ है ये इसका आंसर अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे ये है इसका आंसर इससे नेक्स्ट आइए सी वाला पार्ट और इसके नीचे इसका आंसर अब आ गया है क्वेश्चन नंबर टू का ए वाला पार्ट ये है इसका बी, बी वाला पार्ट हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर दिया गया हुआ है अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये सी वाला पार्ट इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री इसका ये ए वाला पार्ट ये वाला है इसका बी वाला पार्ट और ये दिया गया हुआ है इसका सी वाला पार्ट अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का ये ए वाला पार्ट इससे नेक्स्ट ये है इसका बी वाला पार्ट इसका ये है आंसर अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये सी वाला पार्ट इसका आंसर इसके नीचे दिया गया हुआ है अब आ गया है क्वेश्चन नंबर फाइव का ये ए वाला पार्ट इससे नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट में इसका ये बी वाला पार्ट और यहाँ पर ये वाला पेपर भी कंप्लीट कर लिया हुआ है मॉडल पेपर अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जोन सा सी वाला पार्ट है आपके सामने है ये इसके एम सी क्यूल जोन से हैं ये है फर्स्ट वाला एम सी क्यूल इसका आंसर आएगा डी वाला सेकेंड वाले का भी आंसर आएगा डी वाला इससे नेक्स्ट है थर्ड वाला फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और ये है ट्वेंटी फाइव इसके एम्पिक्यूल है अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सब्जेक्टिव पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर वन के तीन पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर टू इसके भी तीन पार्ट हैं अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री इसके भी ये तीन पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर फोर इसके भी तीन पार्ट और क्वेश्चन नंबर फाइव के भी तीन पार्ट है अब इनके आंसर ये है क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर ए डिफाइन क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन की तरीफ करें ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और यह है उर्दू मीडियम के लिए अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट इसका यह है आंसर और यह है सी वाला पार्ट इसका आंसर इसके नीचे है अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू का ये ए वाला पार्ट इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका बी वाला पार्ट आंसर इसका ये है अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट इसके नीचे ही ये दिया गया होगा इसका आंसर अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर थ्री इसका ये ए वाला पार्ट यह है क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर बी इसका यह है आंसर और यह है इसका पार्ट नंबर सी अब आगे है क्वेश्चन नंबर फोर इसका यह है ए वाले पार्ट का आंसर यह है इसका बी वाला पार्ट यह है इसका आंसर और लास्ट में ये है इसका सी वाला पार्ट इसका यह है आंसर अब आगे है क्वेश्चन नंबर फाइव का ए वाला पार्ट ये है बी वाला पार्ट आंसर इनके नीचे दिए हुए हैं और ये है इसका सी वाला पार्ट इसके नीचे दिया गया हुआ है यह है इसका आंसर और यहाँ मॉडल पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट एम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको दिखा दिए गए वह है अल्लाह हाफिज